वेलकम बैक टू चैनल में हम लोग आज की वीडियो आप देखने वाले हैं गेमिंग ऑन टाइम 24 आवर्स। और पहले मैं थोड़ी देर बैठी थी इस गद्दे पे, फिर लेटी थी, तो अभी मुझे मतलब हाफ आवर तो कम से कम इस पे रहते रहते हो चुका है। और अब मुझे मज़ा आने वाला है क्योंकि अब मेरे पास स्नैक्स भी हैं और यहाँ पर चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मेरा बेड ये रहा जिस पर मैं लेटी हुई, और पर्दे मैंने थोड़ा सा खोला हुआ ताकि हवा आए। और मैंने पंखा यहाँ पर इसलिए नहीं लगवाया हुआ क्योंकि कभी मुझे वीडियो शूट करनी हो तो फिर मैं पसीने में तो भीगूंगी ही, लेकिन ये पंखे की वजह से आवाज़ बहुत कटती है, तो मैंने कहा कि पंखा नहीं हो तो ज़्यादा ही बेहतर है। ओके, उसके अलावा अभी मैं खा रही हूँ स्नैक्स क्योंकि लंच मैंने डिनर मैंने कर लिया था। अभी रात के 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, आधा घंटा हुआ है, 9 बजे आई थी मैं, तो 3 घंटे कम से कम मुझे यहाँ पर रहते रहते हो चुके हैं। अब रात के 12 बज रहे हैं तो अब मैं स्नैक्स खा रही हूँ। और मैंने अपने टैबलेट से शूटिंग कर रही हूँ। और हाँ, मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ, मैं एक रिंग लाइट लाई हूँ कि जब मैं सोती हूँ ना तो मैं ये लाइट ऑफ करूँगी और रिंग लाइट ऑन करके सो जाऊँगी, क्योंकि रिंग लाइट से थोड़ा रिंग लाइट नहीं ऑन करूँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वीडियो की शूटिंग के टाइम रिंग लाइट ऑन कर लूँगी। उसके अलावा मेरे पास एक फेंटा है जो मैं पी के खत्म कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। उसके अलावा एक लेज़ और एक रियो और एक लेज़ मैं खा लूँ। एक सैनिटाइज़र लाई हूँ ताकि अगर ओरियो आए उसको मैं प्यार करूँ तो सैनिटाइज़र लगा लूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे पानी लाई हूँ जो मैं पी चुकी हूँ ऑलमोस्ट। उसके अलावा यहाँ पे मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ मेकअप की, मतलब एक ये हो गया लिप बॉम, लिपस्टिक और हेयर क्लिप्स वगैरह, हेयर कैच। ये मैं कैट फूड भी ले आई कि अगर ओरियो आए तो मैं अंदर जाकर बार बार ट्रेनिंग कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं एक हेयर ब्रश भी ले आई, उसके अलावा मैं हैंड फ्री ले आई और एक चार्जर ले आई, आप देख सकते हो यहाँ पे, और कुछ नहीं ज़्यादा लाई, बहुत ज़्यादा ही ले आई बल्कि यार सुकून भी तो होना चाहिए ना अपनी लाइफ में। अब मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर तक इसको खाने के बाद और वीडियोस देखने के बाद। गाइस, रात का 1 बज गया है और अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ अपनी इस वीडियो की जो अभी शूट कर रही हूँ, तो अब एडिटिंग कर लेते हैं हम इसकी जल्दी से। असल में एक प्रॉब्लम और भी है, हमारी जो गली है ना वो इतनी शोर शराबे वाली है कि आपको क्या ही बताऊँ, तो इसलिए अब मैं ज़रा एडिटिंग कर लूँ थोड़ी सी वीडियो की। और सॉरी, यहाँ से कर ली थी एडिटिंग करना ही भूल गई मैं, तो अब एडिटिंग कर रही हूँ मैं और उसके बाद आपको मिलती हूँ। ऑडियो आ रही है? अच्छा, एडिटिंग हो चुकी है गाइस, अब मैं एक और डे खा रही हूँ। यार गाइज लिटरली इसको गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कितने शौक से कैट फूड खाती है। इस टाइम तो ये मुझे देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, आखिर खा रही है और मुझे तो हंसी आ रही है इसको देखते देखते, क्योंकि मतलब ये ऐसे हैरानी से देख रही है ना मुझे, सीरियसली मैं ले बहुत हैरानी से ये मुझे देख रही है। टाइम मजे आ रहे हैं, देखो चक्कर इसकी चीजें चक्कर कैसे देख रही है मेरी तरफ। खा लो और ये दे दो, दे दो, खा लो। अब मैं सैनिटाइजर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा हाथ लग गया है मेरे से। चार पांच घंटे रुक चुके हैं यहाँ पे। जानू क्या देख रही है? मेरी चीजें मैंने घुसना
थोड़ा सा दे। वेरी क्यूट, है ना क्यूट? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी से। मासूमियत तो स्किन से टपक टपक के टपक टपक के टपक टपक के टा टा टा। बस ओवर एक्टिंग ना करो चीजों को देख के। ये देखिएगा, ये देखो, ले जाओ आप कहीं। गुड बाय। अबे अपने टैटू की तरफ नजर देती हूँ तुझसे, तेरा टैटू डॉल मांग दिए, खा दिए, खा लिए, 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 अच्छा मैंने एक पिल्लो भी लिया हुआ साथ में ताकि थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँ, और अभी कर भी रही हूँ। अच्छा मैं माइक से बोल लेती हूँ, गाइस आ तो बहुत ज़्यादा मज़ा रहा है मुझे। मुझे ना थोड़ा सोने का दिल चाह रहा है, थोड़ी सी नैप ले लेते हूँ मैं। गाइस अभी मुझे इतना अजीब सा फील हुआ इधर, बहुत अजीब सा। कितना टाइम हो रहा है? 5 बज रहे नहीं है, 3 बज रहे रात के, और मतलब मुझे इतना डर लगा एकदम से, ऐसा फील हुआ मुझे पता नहीं क्या हो गया एकदम से। और मुझे फिर बाद में पता चला कि मेरी ओरियो है, ओरियो मेरे पाँव से मैं सलाट करी, तब ओरियो जा चुकी है किसी पर्दे खोले हुए थे। और अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट से बताना, और मैं आप पहले अपने बेड तो दिखा दूँ पूरा। मैंने आपको अपना बेड दिखाया नहीं, लेकिन अब चादर तो ये ख़राब हो गई है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना।
रिक्शे की आवाज़ बहुत तेज़ है। अब मैं थोड़ा जाग चुकी हूँ बहुत अच्छे से। आप कह रहेंगे हेयर बैंड लगा के कौन सोता है, सिर्फ मुझे आदत हो जाती है हेयर बैंड लगा के सोने की। तो वैसे आया तो मुझे हद से ज़्यादा मजा आया। गाइस मैं आपको अब एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ जो सबसे ज़्यादा हॉरिबल है, ब्लू बेबी की स्टोरी। उसमें क्या हुआ था कि ना एक दफ़ा एक औरत थी, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। एक दफ़ा हस्बैंड उसका चला गया जंक पे, उसको जंक की ऑफर आ गई और वो जंक पे चला गया। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उसके मरने की खबर सुनाई थी ब्लू बेबी को। ब्लू बेबी को नहीं, ब्लू डेजल ब्लू आई थिंक, हाँ उसका नाम ये था। तो ना उसको सुनाई थी ये और वो पागल हो गई, क्योंकि वो रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई, वो हद से ज़्यादा वो रोने लग गई। और वो ना अपने बच्चे को मारती थी। एक दिन क्या हुआ, वो इतना शदीद रोई कि जो ब्लू बेबी है ना उसका बच्चा, इसमें मुझे डर लग रहा है इसको सुनाते हुए बहुत ज़्यादा। और फिर ना जो ब्लू बेबी था ना, ब्लू बेबी उसने वो रो मतलब ब्लू बेबी रो रहा था और ना फिर वो सुन के ना पागल सी हो गई डेजल ब्लू पागल। और ना उसने कांच तोड़ दिया, ज़ोर से कोई बोतल मारी और वो कांच टूट चुका था। उसके बाद वो और चुप हो और रो गया, क्योंकि इतना सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा रोने लग गया दोबारा। ये स्टोरी सुनाते हुए टैस में मुझे डर लग रहा है, रात के 3-4 बज रहे हैं। ओके, और उसके बाद क्या हुआ कि जो डेजल ब्लू थी उसने उसी कांच को नीचे से उठाया और अपने बच्चे का गला काट दिया। उसके बाद वो उससे ही उसने अपने आप को भी मार दिया जान से। और उसके बाद से अभी तक ये जो स्टोरी है ना, अब इसका आपको बता दूँ, अगर अभी भी कोई 3 बजे हो तो अभी 3 बजे में ये स्टोरी सुना रही हूँ, 3 बजे कोई भी 3 बजे ये चैलेंज करता है, अगर ब्लू बेबी सामने आ जाती है तो वो उसकी डेथ हो सकती है। क्योंकि आप शीशे में 3 दफ़ा खड़े होकर लिटरली गाइस गूज बम्प आ रहा है मुझे चीज़ों को बोलते हुए। लेकिन शुक्र है बाइकें गुजर रही हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बिल्कुल सुनसान रोड नहीं है, तो इसलिए ना मैं थोड़ी बेहतर फील कर रही हूँ। फिर क्या हुआ, उसके बाद चैलेंज करने का बस 3 से 4 रूल्स है। आप पहले अपने हैंड फोल्ड करो जैसे आप एक बेबी को पकड़ते हो, शीशे के सामने खड़े हो, और आपका ब्लू बेबी ब्लू ब्लू बेबी 10 से 13 टाइम्स आप कह दो या 3 से 4 दफ़ा आपकी मर्जी होगी। और अगर आपके सामने आ गई शीशे में ब्लू बेबी, अभी मुझे डर लग रहा है स्टोरी को सुनाते हुए भी गाइस, ब्लू बेबी अगर आपके सामने आ गई और आपने बेबी को छोड़ दिया मतलब डर के, क्योंकि वो बहुत खौफनाक होती है डेजल ब्लू, इट्स वेरी स्केरी। और उसके बाद आप अपने, ओ माय गॉड मेरा मोबाइल हुक से गिर गया, इस वॉइस से ना मुझे डर लग रहा है क्योंकि रात को मतलब ऐसी वॉइसेस आए कितना अजीब सा लगता है। उसके बाद अगर आपने बच्चे को छोड़ दिया तो ब्लू बेबी एक आपको मारे थे, अगर आपने बाकी कोशिश की जो उसका बेबी नीचे गिरा होता है ना नीचे, वो आपका पाँव पकड़ लेता है, आप जितना भागने की कोशिश करो वो आपको भागने नहीं देता और ब्लू बेबी आपको मार देती है, सिंपल। और ये था बहुत स्केरी वाकया और मुझे डर भी उससे ज़्यादा लगा है इस टाइम इसको वीडियो शूट करने में रात के 3 बजे। लेकिन थैंक गॉड यार कि यहाँ पे बाइकें गाड़ियाँ चल रही हैं तो मेरा भरोसा बन रहा है, इस टाइम हम लोग सब सो गए हैं। और चलो गाइस अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ क्योंकि स्टोरी सुनाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। गाइस असल में अब मैं थोड़ी रिलैक्सेबल हूँ क्योंकि मुझे मतलब मैं थोड़ी देर नैप हो चुकी थी और मैं थोड़ी अब डर चुकी हूँ भी, और मतलब मुझे आज इतना मज़ा आया ना इस चैलेंज में करने में, आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा इस चैलेंज में। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, और मुझे शुगर है वॉशरूम नहीं आया,
दिन तो हो चुकी है, सुबह थोड़ी हो चुकी है, मजाक कर रही, सुबह नहीं हुई, रात की है, 4:30 हो रहा है रात की। अब मैं आपको मिली थोड़ी देर। गाइस मैं एक और रूल बताना भूल गई कि मैं अपने घर से बाहर हूँ ना, तो मैं मतलब जा सकती हूँ बाहर, मतलब जैसे हो गया डैडी का। डर बहुत लग रहा है मुझे इस टाइम। हारून मैंने कर लिया चैलेंज वो वाला, ये देखो पूरा बेड भी छाया हुआ मेरे अंदर। सच में यार थोड़ा स्केरी भी स्टोरी भी सुना दी थी ना, तो बैकग्राउंड म्यूजिक से थोड़ी घबराहट हो गई मुझे एडिटिंग करते हुए, वीडियो की एडिटिंग है ना वो सबसे बड़ा टास्क है। अच्छा ये तो टास्क मेरा कंप्लीट होता है, वैसे भी हो रही हो आपके, इसमें बैठ गई तो ये बेडशीट तो वैसे भी धुल ली है क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं करते हम लोग इतना, क्योंकि ये जो है ना ये रेशमी है तो ये फैल जाती है, मतलब फिसल जाती है ये आपके। डर गई मैं और सच में बहुत डर गई इस चैलेंज में। शुक्र है कि मैं अंदर नहीं गई और मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो गया आते साथ ही, और शायद मैं कैमरा भी बाहर लेके जाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी, अगर आपको भी वीडियो चाहिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।